सेक्टर 19 सी एसडी स्कूल के स्टूडेंट ने मनाया अपना वार्षिक दिवस। स्टूडेंट में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। स्टूडेंट का उत्साह और उमंग उनके परफॉर्मेंस में खूब दिखाई दे रहा था। प्रोग्राम की शुरुआत सांस्कृतिक उत्सव गणेश वंदना के साथ की गई। छोटे छोटे किंडरगार्टन के बच्चों ने विदेशी गीतों पर डांस किया, जिसे आए हुए पेरेंट्स ने काफ़ी इंजॉय किया। बच्चों ने पेपे डांस, चार्ली चैपलिन डांस पेश किए। फोर्थ से एट्थ क्लास के बच्चों ने वार्षिक कार्यक्रम में आए हुए पेरेंट्स और स्टूडेंट को स्वास्थ्य, पर्यावरण और नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया। बच्चों ने डांस के जरिए पेड़ों को बचाने और ड्रग्स से दूर रहने का संदेश भी दिया, जिसकी आए हुए पेरेंट्स और गेस्ट ने काफ़ी तारीफ की। स्टूडेंट ने गेस्ट का भी दिल तब जीत लिया जब फादर थीम को डांस के रूप में पेश करके दिखाया, जिससे सभी लोग भावुक हो उठे। लास्ट में प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया, जो कि स्टूडेंट के लिए गर्व और सम्मान का क्षण था। लास्ट में सेवंथ एट्थ के स्टूडेंट ने भांगड़ा डांस पेश किया तो सब झूम उठे। मीडिया से बात करते हुए प्रोग्राम के बारे में प्रिंसिपल ने आगे बताया, सबसे अच्छी बात इस फंक्शन की है कि तकरीबन सारे ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नियरली 230 स्टूडेंट्स, 5-7 बच्चे जो वो है मेडिकल प्रॉब्लम्स उनको छोड़ के, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैम, जो बच्चे इस बार जो है कुछ मैसेज भी सुनने को आए, कुछ मैसेज भी दे रहे हैं इस एनुअल फंक्शन के थ्रू। हाँ जी, कुछ एक थीम एक्ट्स हमने रखे हुए हैं, उसमें एक तो फादर के ऊपर है, फादर्स लव एंड सेक्रीफाइस फॉर हिज चिल्ड्रन। उसके बाद में ट्रीज़ के ऊपर है, सेव ट्रीज़ सेव एनवायरनमेंट। फिर ड्रग्स एक आजकल बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग स्कूल चिल्ड्रन पर्टिकुलरली हमने एक एक्ट रखा है ऑन ड्रग्स, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करते हैं। मैम, ये हर साल आपका एनुअल फंक्शन मनाया जाता है? जी हाँ, हर साल करते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से नहीं हुआ, 2 साल कोविड की वजह से, तीसरे साल हमें लगा कि बच्चे 2 साल से पढ़ नहीं रहे हैं ऑलरेडी, इसमें फिर टाइम वेस्ट जाएगा, तो इट वॉज ए काइंड ऑफ एन एकेडमिक रिवाइवल कि सिर्फ एकेडमिक्स हो गया इस साल, तो अब 3 साल के गैप के बाद कर रहे हैं। अभी जो टीचर्स ने इतनी मेहनत की और बच्चों ने कुछ जो प्रैक्टिस की है उसके लिए कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 1 महीने का टाइम हमने रखा था इस फंक्शन की तैयारी के लिए, और डेट पहले फिक्स कर दी थी 23rd of December, उसके बाद ही हमने काम करना शुरू किया, और 1 महीने के अंदर, राधा 2-3 दिन कम ही होंगे, उसमें टीचर्स ने लग के बड़ी डेडिकेशन के साथ और बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तैयार कर लिया। बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? या बच्चों के लिए इट्स बच्चों का इस पार्टिसिपेशन, इतनी पार्टिसिपेशन होनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चे आजकल बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन ये स्कूल की ड्यूटी बन जाती है कि उनको मौका दिया जाए स्टेज पे आने का, और मुझे उम्मीद है कि इससे बच्चे बहुत कुछ गेन करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बनेगा और आगे लाइफ में ऐसी चीज़ों में आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 News, the National Tele 24 News.